नमस्कार, मैं हूं अपराजित और आप देख रहे हैं जीवन कैसे होंगे। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने संस्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जुबली पार्क की सजावट का उद्घाटन शनिवार शाम को किया। चंद्रशेखर के साथ टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन, रुचि नरेंद्रन, बीबी कॉर्पोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी और जिस्को के एमडी ऋतुराज सिन्हा ने जुबली पार्क स्थित जेएन टाटा की मूर्ति पर पुष्पांजलि भेंट कर संस्थापक के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित। बेहद सीमित संख्या में हुए इस समारोह में चेयरमैन द्वारा लाइटिंग के उद्घाटन के साथ ही पार्क समेत पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी में समा गया। वहीं इस अवसर पर टाटा संस के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि संस्थापक की स्थापना दिवस पूर्व संध्या पर मैं काफी एक्साइटेड और टाटा स्टील अच्छा प्रोग्रेस कर रहा। वहीं उन्होंने कंपनी के एम्प्लॉय के साथ साथ शहर वासियों को संस्थापक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इधर हर कोई इस मनमोहक सेटअप को अपने कैमरे में कैद करते हुए देखा गया। पार्क में नृत्य करते और झूमते फव्वारे और पेड़ों पर लटक के कृत्रिम जुगनू किसी परियोग का दृश्य पेश कर रहे हैं। 5 मार्च तक चलने वाली सजावट के चलते जुबली पार्क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसे 3 मार्च को सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। इस साल कंपनी ने शहर के महत्वपूर्ण धरोहरों के साथ ही चौक चौराहों को सजाया है ताकि शहरवासी विद्युत सज्जा का आनंद ले। Founders Day and a happy 2024. जमशेदपुर के लोगों से, जमशेदपुर के लोग जो है आपसे यानी बहुत उम्मीद करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? जमशेदपुर के लोग उम्मीद करते हैं बहुत 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 उम्मीद करते हैं। So Jamshedpur is the place where it all started for Tata Group. So it always remains the most important location, not only for Tata Steel, but also for the entire Tata Group. So we look forward to continuing to develop the group's expansion and opportunities in Jamshedpur. Thank you. जुबली पार्क को जो दुर्गा सजाया गया, क्या है? तो जुबली पार्क की ये जो सेलिब्रेशन है ये साल में एक बार ही आती है और इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसको सबको देखना चाहिए। आकर देखकर मन एकदम खुश हो जाता है। तो मैं सबको इनकरेज करूँगी कि ज़रूर आइएगा और देखिएगा इस शानदार से माहौल को। मैडम, ये कितना इंतजार रहता है? अगर देखा जाए तो ये लगातार 3 दिनों तक ये एक तो जमशेदपुर में मेला स्वरूप देखने को मिलता है। जी, साल भर इंतजार करते हैं सब लोग, क्योंकि फिर उसके बाद तो ये बंद हो जाता है, तो इसीलिए सबको इंतजार रहता है जमशेदपुर। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही है। झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवन।